सही है भाई, मतलब साइकिल से ही यहाँ तक आ गए। दोस्तों अभी अंदर एंट्री हो चुकी है अलवर किले में, बट गाइस गेट पे आप आते हो तो वहाँ से तकरीबन आपको 8 से 10 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है, पैदल आप नहीं आ सकते। तो वहाँ पे जिप्सी खड़ी रहती हैं, तो 1100 उसके चार्ज होते हैं। और अगर आप अलग से बाहर से ऑटो या कोई अदर गाड़ी लेके आते हो या सेल्फ ड्राइविंग लेके आते हो तब अंदर आप लेके जा सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये कि आप बाहर से कुछ गाड़ी लेके आ सकते हो, अदरवाइज़ जिप्सी के आपको 1 पर्सन का 1000 रुपी चार्ज देना पड़ता है और 100 रुपये अंदर उसका टिकट लेना पड़ता है। और बाकी गाइस हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है अपने ऑटो से। तो जब हम लोग ऑटो लेके आए हमें 50 रुपीज़ पे करना पड़ा। और यहाँ का आप माहौल देख सकते हैं, जस्ट हमने थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ा है और क्या खूबसूरती के साथ ये पहाड़ खड़े हैं हमारे आसपास। और ये हमारे लक्ष्मण भैया सो मच एक्साइटेड अबाउट फोटोग्राफी। गाइस एक चीज़ नोटिस कर रही है इन फोर्ट्स का, देखो पीछे मेरे दिख रहा है जयपुर गेट, जैसे जोधपुर में भी था जयपुर गेट, जयपुर के विजय के चक्कर में बनवाया गया था वैसे है। और इसमें भी टोटल 7 गेट है आई थिंक, तो ये पहला गेट है ऐसा। गाइस देखो ये सीढ़ियाँ हैं स्वर्ग में जाती हैं, और ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे कि ये स्वर्ग में जाती हैं। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं किले के पास और ऑलमोस्ट हमें 15 से 20 मिनट के आसपास लगा। और अंदर चलते हैं, देखते हैं अभी टिकट का क्या माहौल है। दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जस्ट लग रहा है कि जैसे हवा महल पे हम लोग चढ़ते हैं ऊपर, वैसे यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं तो उन्हीं को चढ़ के हम लोग ऊपर आए। अब मैं आपको एक रूम दिखाता हूँ, वैसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से रूम है। नीचे आप देखो सब चिड़ियों की पॉटी है, देखो रूम है ये, इतने गंदे पड़े हैं कि मतलब कोई इसका सफाई कभी नहीं होता है, एकदम बास मार रहे हैं। So just get out of it.
पात्र है ये। दान पात्र बोल रहे हैं कूड़े पात्र को। अच्छा बेबी अच्छा तुझे अबे जो हम आपको दिखाते हैं क्या अलवर, अलवर सिटी दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है अलवर कभी पूरा अलवर आप वहां से देख सकते हैं पूरी तरह से। अच्छा पहले तुम देख लो बेटा और इस YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उनको दिखाइए क्योंकि उनको भी पता चले कि अलवर कैसा दिखता है। क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा तो फिर क्या फायदा बताइए, क्योंकि देश की भारी इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आप लोग नहीं देख पाओगे तो फिर क्या मतलब है आपका। क्यों आए पता नहीं, क्यों गए पता नहीं। हाँ देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे इतनी मेहनत करके हम आपके पास वीडियो लेके आए हैं और आप उसको शेयर नहीं करोगे, दोस्तों को नहीं दिखाओगे तो फिर क्या फायदा। नहीं हमारा फायदा नहीं आपका। दोस्तों फोर्ट घूमने के बाद जस्ट फोर्ट के पीछे जा रहे हैं झाड़ियों में, पीछे जा रहे हैं झाड़ियों सोते हुए। और हमारे जो ऑटो भाई साहब हैं उनका कहना है कि यहाँ से हमें वो अलवर का पूरा व्यू दिखाने वाले हैं, बट जिस तरह से मैं सामने देख पा रहा हूँ मुझे धुआं धुआं दिख रहा है तो आई डोंट थिंक कि हमें कुछ नज़र आएगा। बाकी उम्मीद हम अच्छे के करते हैं। आपको इसे देखना चाहिए कि हम लोग कितनी कठिनाई से अलवर को देखने जा रहे हैं, चारों तरफ पत्थर पहाड़ और ये हमारे लक्ष्मण। दोस्तों आपको भी YouTube पर चढ़ा हो गया है? हम्म, भाई YouTube पे हम छोड़ देंगे इनको, YouTube पे ही रहेंगे ये। दोस्तों हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और देखिए किस तरह से खूंखार रास्ते हैं, कब कौन सा पत्थर नीचे फिसल जाए और हम लोग हजारों फुट नीचे जाके गिरे। दोस्तों आई थिंक हमें जहाँ आना था वहाँ हम लोग आ चुके हैं, अपने डेस्टिनेशन के करीब हैं और उम्मीद है कि हम लोग कुछ अच्छा देखने वाले हैं। ये पथरीली चढ़ाइयाँ उतराइयाँ, पत्थर के रास्ते, और आपको जरूरत है कि आप सावधानी से ऊपर की तरफ चढ़ें। गाइस किले से होते हुए हम लोग जस्ट साइड में आ गए हैं किले के और जस्ट पीछे पीछे हमारा किला दिख रहा है और यहाँ से हम लोग दिखाते हैं किस तरह से आपका अलवर दिखता है। गाइज ये वो सीट है जहाँ पे महाराज बैठ के पूरे अलवर को देखते थे और यहाँ से आपका पूरा अलवर दिखता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे ड्रोन की बैटरी जा चुकी है, मैं उड़ा नहीं सकता हूँ, नहीं तो आपको यहाँ से मस्त शॉट देखने को मिलता। पूरा अलवर यहाँ से आपका दिख रहा है पूरी तरह से वाइट वाइट। अलवर किला हम लोग अच्छे से घूम चुके हैं, अलवर का नज़ारा भी देख चुके हैं। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। देखिए ऑटो वाले भाग रहे हैं जल्दी से। सो बाय बाय।